एक सपना वैसा ले चले हैं कि मेरा अपना व्यक्तिगत ले मानना है कि जर्रा की कुवत हो कि वो भी आसमां को छू सके। साधना रत कर्म योगी लक्ष्य दुर्लभ पा सके। तो जहां तहां से लेवल वन को लेके बढ़ते चल रहे थे, कैटेगरी कैटेगरी में से हर जगह से लेवल वन को लेके चल रहे थे, आज लेवल वन में से सीरीज सीरीज का तीन फेज तीन क्रम को लेके बढ़ रहे हैं। मैथ में जो वनडे में, वो चाहे रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, दोनों का कॉमन पार्ट है। चाहे उधर सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे मैनेजमेंट का एग्जाम हो, हर सेक्शन का कॉमन पार्ट। हाँ, बैंक में सीरीज से क्वेश्चन से मुलाकात नहीं होती, इस सीरीज से, वो नंबर सीरीज है, उसकी कहानी आगे करेंगे। तो अब सीरीज के फेज से उठा रहे हैं, बारी बारी से तीन कैटेगरी है, तीनों कैटेगरी को एक एक करके पूरा करते चल रहे हैं। पहला फेज कंटिन्यूटी का सीरीज लेके चल रहे हैं। इसका फॉर्मेट कुछ यूं मिलेगा, 1/a × b, नेक्स्ट कर दिया 1/b × c, नेक्स्ट कर दिया 1/c × d, करते हुए कहीं तक पहुंच गया 1/p × q तक। और इसका रिजल्ट निकालना है। और खासियत इस सीरीज की ये दे दिया कि जो गैप ए बी का, वही गैप बी सी का, वही गैप सी डी का, वही गैप पी क्यू का, मतलब हर दोनों नंबर के बीच का गैप सेम चला। तो अगर इस गैप को बी ए का जो गैप, वही गैप सी बी का, वही गैप डी सी का, वही गैप क्यू पी का, मान लिए वो गैप कॉमन गैप अगर एक्स हो, तो मैथमेटिकल सीरीज के इस कैटेगरी का रिजल्ट कहलाता है। गैप कितना है एक्स, तो कर दिए 1/x, और उसके बाद 1/ सबसे शुरुआती टर्म ए, माइनस लास्ट टर्म तो 1/q, सॉल्व करके लिख दिए। तो यही है मैथमेटिकल सीरीज का सॉल्यूशन का पहला फेज। एग्जाम्पल के तौर पर उठा रहे हैं एक फेज को, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन आपको दे दिया 1/12, 1/20, 1/30, करते हुए 1/11, 10। अब जरा इसको तोड़ते हैं, ये सीधा तो नहीं सजा हुआ, लेकिन अगर इसको तोड़ते तो 3-4 है, ये आपका 4-5 है, ये 5-6 है, ऐसे ही बढ़ते हुए अंत कहाँ गया तो 10-11। हर जगह गैप, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो हर जगह गैप एक का है, तो कहते 1/gap तो 1, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू 1/ शुरुआती डेटा तो 3, माइनस 1/ अंतिम डेटा 11, 11 में से 3 घट गया तो 8/33, यही हो गया इस सीरीज का आपका रिजल्ट। बस इतना ही करना है कि गैप अगर मान लिया जाए 2 का होता तो यहाँ 1/2 कर देते, और तब फिर 1/min माइनस 1/max, मतलब 1/शुरुआती या माइनस 1/अंतिम, यही करना। एक दो एग्जाम्पल और इसका लेके आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया जाए नेक्स्ट एग्जाम्पल, कह दिए 1/5 × 7, 7 × 9, 9 × 11, करते हुए पहुंच गया 1/23 × 25 तक।
देखे तो हर जगह यहाँ भी दो यहाँ भी दो, दो दो का गैप, तो हर जगह गैप दो तो लिख दिए 1/2। अब आपको तो 1/ सबसे छोटा शुरुआती चेहरा 5, अब -1/ अंतिम चेहरा 25, इसी को सॉल्व करके लिख देना है। एलसीएम 25 हो जाता, ये 5 - 1 = 4, 4 2 से कटता 2, तो रिजल्ट हो गया 2/25। इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। मान लिया जाए क्वेश्चन दे दिया 2/7 × 10, 2/10 × 13, 2/13 × 16, करते हुए 2/82 × 85 तक पहुंचा दिया। अब आपसे पूछ दिया गया कि इसका रिजल्ट क्या होगा। लिखाए हैं तो 1/समथिंग के लिए, लेकिन इसमें दे दिया है 2/समथिंग। अब जरा देखिए कि अगर सब में से दो कॉमन ले लें, दो कॉमन मतलब यहाँ सबसे दो कट गया, ये भी बचा 1 1 1 1। अब तो ये चेहरा आपका क्या बना, तो 1/समथिंग के फॉर्म में है। अब गैप कितने का है, 3 का, तो पहले से दो मौजूद है तो रहने दिए। अब इसके बाद का चेहरा यूज करते तो 1/गैप तो 3, तब 1/इनिशियल -1/फाइनल तो 85। अब इसी को सॉल्व कर देना, 85 85 में से 7 माइनस हो जाएगा तो आपका 78 हो गया, 3 से कटेगा 26, 26 का डबल 52 डिवाइडेड बाय 85 × 7, 35, 3, 56 और 3, 59, तो ये रिजल्ट आपका 595, 52 / 595। कभी कभी उसी क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा सा डिजाइन बदल के पूछ रहा होता है, कहानी तो वही रहती है, सिर्फ पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल उससे लेते हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन ऐसे दे दिया, 1/7² - 7, 1/8² - 8, 1/9² - 9, करते हुए लास्ट कर दिया 1/20² - 20। अब पूछ दिया इसका रिजल्ट। ये तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं है, बट अगर इसको इस दोनों में से 7 को अगर कॉमन ले लें, रफ में थोड़ा चर्चा कर लें कि 7² - 7, अगर इसमें से 7 कॉमन ले ले तो पहला बचा 7 - 1, तो इसको लिख सकते थे 7 × 6। ऐसे ही यहाँ से 8 कॉमन ले लिए तो 8 - 1 = 7, तो इसको 7 × 8 लिखा जा सकता था। तो अब इसी को लिख देते हैं नए तरीका से, तो 7 कॉमन, 7 में 1 घटा तो 6, तो 6 × 7। यहाँ ये तो 8 कॉमन, 8 में 1 घटा तो 7, तो 7 × 8। ऐसे ही करते हुए अंतिम में 20 कॉमन, तो 20 - 1 = 19 × 20। अब तो फिर से मैथमेटिकल सीरीज बन के तैयार हो चुका। हर जगह गैप 1 का, तो 1/1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 1/इनिशियल तो 1/6 - 1/फाइनल 20, एलसीएम 60, यहाँ हो गया आपका 10, यहाँ 3, तो 7/60, तो यही इसका रिजल्ट बन के आ चुका आपके पास। तो यही सब थोड़ा बहुत अगर वन डे कर रहा होता है तो कहानी वही है, सिर्फ उसको रखने का तरीका थोड़ा थोड़ा करके बदलता चला जाता है। तो इसमें रखने का तरीका बहुत सारा तरीका हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल देते चलते हैं।
तो ये है मैथमेटिकल सीरीज में अस्थाई कहे कि अगर गैप सेम चल रहा है तो वन बाय गैप, अब फिर उसके बाद वन बाय इनिशियल डेटा माइनस वन बाय फाइनल डेटा करते जाइए। ये है मैथमेटिकल सीरीज का पहला पार्ट। अब जब यही ड्यूअल स्टेप कभी वनडे में मुलाकात हो जाती है ट्रिपल स्टेप के फॉर्म में, ये ट्रिपल स्टेप है क्या? जैसे मान लिया जाए, दे दिया वन बाय ए बी सी, वन बाय बी सी डी, वन बाय सी डी ई करते हुए कहीं तक कर दिया आई जे के तक, कहीं तक उठा के चला गया। अब इस पैटर्न के मैथमेटिकल सीरीज का रिजल्ट क्या होगा? तो आप तब भी देखिए, हाँ हर जगह गैप सेम होना चाहिए, और गैप अगर सेम चल रहा है तो फर्स्ट लास्ट का गैप कितने का होगा वो उठा लीजिए। मान लेते हैं ये गैप आ रहा हो x का, तो सीरीज का यहाँ भी रिजल्ट कर दीजिए वन बाय एक्स। उसके बाद जब तीन स्टेप का है तो इनिशियल दो स्टेप माइनस वन बाय फाइनल दो स्टेप, तो j इंटू के। अब ये क्या लिखे उसकी कहानी, जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन दे दिया वन टू थ्री, टू थ्री फोर करते हुए 15, 16, 17 कहीं तक पहुंच गया। अब आपका ट्रिपल स्टेप का फेज है, ए का तीन का गैप कितने का, तो दो का है, तो लिख दिए वन बाई टू माइनस इनटू। अब तीन स्टेप का फेज लिया तो शुरुआती दो फेज ले लिए, तो वन बाई इनिशियल टू फेज, तो वन इंटू टू, अब माइनस फाइनल दो फेज, तो 16 × 17 एलसीएम हो जाता 16 × 17। ये दो है तो दो से भाग पड़ जाता, तो 8 × 17 = 136 माइनस वन, तो 135 ऊपर नीचे हो गया। तो अब ये दो भी गुना होता तो 16 × 17, दो से गुना तो 32 × 17, 17 × 2 = 34, 51 × 3 = 54, तो 135 डिवाइडेड बाय 554। ये ध्यान रखिए, ये तीन ही स्टेप की कहानी नहीं कर रहे हैं, या एक ही गैप की कहानी नहीं कर रहे हैं, गैप चाहे कोई भी रहे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए आपको क्वेश्चन दे दिया वन बाय फाइव सेवन इलेवन, ये 5 7 दो का गैप तो 9, नेक्स्ट ले लिए तो 7 9 11 9 11 13 करते हुए कहीं तक पहुंच गए। मान लिया जाए 21 23 25, और तब पूछ दिया रिजल्ट क्या होगा। गैप हर टर्म का दो 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 है, और इनिशियल फाइनल का गैप कितने का है, तो 4 का गैप है, तो लिख दिए 1/4। उसके बाद शुरुआती दो स्टेप तो 5 × 7, अब माइनस अंतिम दो स्टेप तो 23 × 25, बस काटिए सॉल्व करके लिख दीजिए। यही आपकी कहानी है ट्रिपल स्टेप। ये तीन नहीं, अगर 4 स्टेप में भी बदल जाए, एक एग्जाम्पल 4 स्टेप का भी ले ही लेते हैं। 4 स्टेप में से मान लिया जाए क्वेश्चन दे दिया 1/2 3 4 5, फिर कर दिया 3 4 5 6, ऐसे ही करते हुए कहीं तक चला गया 11 12 13 14, पहुंचा दिया। अब पूछ दिया इसका रिजल्ट सॉल्व करके क्या होगा। देख लिए हर जगह एक 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 ही गैप है, और इन शुरुआती और अंतिम के बीच का गैप कितने का है,
तो 5 और 2 का गैप कितने का? 3 का। तो जो गैप है तो 1/3। उसके बाद अब 2 टुकड़ा था तो शुरू का 1 अंतिम 1 लेते थे, 3 टुकड़ा था तो शुरुआती 2 अंतिम 2 लेते थे, 4 टुकड़ा होगा तो शुरुआती 3, तो 2 और 3 4, अब माइनस अंतिम 3, तो 12 13 14। अब सॉल्व कर दिए, लिख दीजिए। अब इसके लिए गैप अलग अलग हो या 4 के जगह 5 स्टेप भी हो, तो बस इतना करना कि फर्स्ट लास्ट का गैप तो 1 में उससे डिवाइड कर दिए। दो दो टर्म का सीरीज अगर था तो 1/1 टर्म प्लस माइनस कर लिए। 3 का था तो 2-2 लेके, 4 का है तो 3-3 लेके, ऐसे ही 5 का होता तो 4-4 लेके उसको सॉल्व कर देते। ये है आपका मैथमेटिकल सीरीज का फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज को लेके चलते हैं। सेकेंड फेज में पैटर्न यही दिखता है, लेकिन एक फिक्स फेज कहलाता है, वो फेज है आपका एक्सपोनेंशियल सीरीज ई। ई कहते हैं 1 + 1/2 + 1/2 + 1/3 करते हुए अनंत पदों का योग ई कहलाता है, जिसका मान आपको खुद याद रखना होगा 2.718281। करते हुए अरबों अंक तक निकाला गया, ना ही अंक का समापन हुआ ना ही अंक का दोहरा हुआ है। अब जैसे फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ? 1 × 2 × 3। अब इस पैटर्न से क्वेश्चन कुछ यूं दे देता है, जिसको रेडीमेड रखना होता है। मान लीजिए क्वेश्चन ये दे दिया कि 1 × 2 + 1 × 2 × 3 + 1 × 2 × 3 × 4, ऐसा करके लिमिट नहीं अनंत पद तक दे दिया। और अब आपसे पूछ दिया कि इसका रिजल्ट दशमलव के बाद शुद्ध शुद्ध 4 अंक 5 अंक बतलाइए। जरा देखिए, तो इसी को पढ़ेंगे 1 × 2 तो फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 4 अनंत पद तक। अब जरा देखिए, तो सवाल यहां से आगे का पूछ दिया है आपसे, तो इसका मतलब ये ई में से ये 1 भी घटेगा, फैक्टोरियल 1 मतलब 1 तो 1/1 1 ये भी है, तो 1 का 1 कितना? 2, तो 2 इस पार कर दिए तो इसी का रिजल्ट कहलाता। तो ये रिजल्ट आप कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट बनता वो कहलाता ई माइनस 2। ई का मान उपलब्ध है 2.718281, और 2 घटाते तो 0.718281 करते हुए निकालते चले गए। तो ये एक फिक्स फेज है, वो है एक्सपोनेंशियल सीरीज ई पर बेस्ड मैथमेटिकल सीरीज। तो ये दूसरा फेज उठा के चले। एक और फेज लेके चलते हैं, या इस फेज को आज यहीं तक रहने देते हैं। मैथमेटिकल सीरीज का और भी डिजाइन को लेके पार्ट 2 में बढ़ते चलेंगे। बहुत सारा डिजाइन और भी पॉसिबल कंस्ट्रक्शन है, तो रेलवे रेंज में काफ़ी हो चुका आपका, लेकिन और भी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, तो फिर फेज 2 मैथमेटिकल सीरीज का जब बनाएंगे तो उसको आगे बढ़ाते चलेंगे। तो ये क्रम आज यहीं तक, फिर आगे कोई नया टॉपिक लेके चलते चलेंगे।